तो कोलकाता जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए। अकेले ड्राइव करते हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाता है। सो सकता है लगातार चार दिन से गाड़ी चला रहे हैं भाई, अभी देख सकते हैं पूरा मेहनत कर रहा है गाड़ी थोड़ा अच्छे से। ना भाई लेग पीस इधर निकल चुका है, पैसा का रखा हिसाब मम्मी को भी देना है, घर पे पलटना भी सीख गया बाबू। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मंडी। कौन सा मंडी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में गढ़बेता से लोडिंग करके हम जौनपुर के मंडी आए हुए थे। तो भाई फाइनली अपना गाड़ी अगर हो चुका है काली, मैंने भाई नहाया धोया तो नहीं लेकिन भाई मुंह वगैरह धो के फ्रेश हो चुके हैं। भाई अभी भाड़ा नहीं मिला, भाड़ा अगर हम लोग लेने के लिए आए थे तो सोचे नाश्ता कर लेते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा मंडी भी घुमा देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पर अंदर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुंच सके। तो ये भाई कुछ मंडी का नजारा देख सकते हैं, ये भाई मंडी के बाहर का नजारा है। अभी अंदर जाएंगे ना तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हमारे एक बिहारी भाई है जो कि हमारे साथ आए हुए थे गढ़बेता से लोड करके, मतलब हम लोग गढ़बेता से तीन गाड़ी वाले लोड करके आए थे। तो हमारे पास संदीप भैया है जो कि अभी नाश्ता कर रहे हैं, और एक आपका भाई और एक बिहारी भाई जो कि उधर है, उसका गाड़ी भी खाली नहीं हुआ है। तो उधर चलते, तो भाई जबरदस्त वाला भीड़ है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले क्या करना है कि नाश्ता करने के लिए बताते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर सब्सक्राइब फिर से बता दें, सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करो ब्रो जल्दी से, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ भाई वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके भाई को पता चलता है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हमारे ये संदीप भैया, भैया नाश्ता कैसा है? मस्त भाई, एक प्लेट अपने लिए लगा देना यार। तो फिलहाल भाई यहीं पे नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे अपने बिहारी भाई के पास में, उधर देखते हैं। सॉरी भाई बार बार बिहारी भाई बोला, उनका नाम पता है नहीं पता अपने को, लेकिन भाई बिहार का नंबर है तो इसलिए बिहारी भाई बोल रहे हैं। भाई आप लोग कमेंट मत करना कि यार बिहारी भाई क्या होता है, उसका नाम नहीं पता हमको इसी वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उससे नाम पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, और उसका देखते हैं गाड़ी कहाँ तक खाली हुआ है। फोन से बात हुआ था, वो बोला कि अभी तक गाड़ी खाली नहीं हुआ है, चलते हैं थोड़ा बहुत अगर माल होगा उसकी गाड़ी पे खाली करवाएंगे, भाड़ा कर देंगे मतलब दिलवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग सबको साथ में बनारस निकलेंगे। संदीप बनारस चले जाएंगे और वो बिहार का है तो बिहार चला जाएगा, और हम बनारस में लंका पर रहते हैं तो लंका चले जाएंगे। तो फिलहाल भी अपना नाश्ता करा हो चुका है, भाई से पूछते हैं पैसा कितना हुआ। भैया पैसा कितना हुआ मेरा? 80 रुपया। गुलाब जामुन का लेके ना, लेकिन ये पैसा 5 मिनट बाद देंगे आपको, चलेगा 5 मिनट बाद? सामने गाड़ी लगा हुआ है, मतलब गाड़ी में पैसा छोड़ गया है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बस तुरंत अभी देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल भाई नाश्ता तो कर लिया, लेकिन क्या है ना कि पैसा लेके आना भूल गया था, हम सोचे भाई गूगल पे हो जाएगा, लेकिन गूगल पे भाई के पास नहीं है यार। बहुत लोग भाई ठेला वाले हैं तो भाई बहुत लोग गूगल पे यूज करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, गाड़ी में कैश पैसा है, जाएंगे फिर भैया को दे देंगे। तो अभी हम लोग को पैसा भी लेना है, अगर हम लोग का पहले पैसा मिल जाएगा तो हम लोगों का जो पैसा मिलेगा ना वो पैसा ही भैया को पहले दे देंगे। तो फिलहाल भाई आ चुके हैं भाई के दुकान पे पैसा लेके। भैया पैसा लीजिए, बता दे भाई इतना ज्यादा यहाँ पे धूल उड़ रहा है, दिखेगा नहीं आपको धूल, लेकिन भाई मेरे नाक में घुस रहे हैं, और पता है साइनस का दिक्कत है, ऊपर से भाई छींक आ रहा है बार बार। भैया बोल रहे कोई बात नहीं। भैया थोड़ा दिक्कत है ना, क्या हो गया भाई? तो फिलहाल चलते हैं, मतलब अपना भाड़ा करा मिला नहीं अभी, लेकिन उनसे गद्दी से पैसा ले लिया, भैया 100 रुपया दीजिए नाश्ता करा किया हूँ, बोले भाई 100 रुपया लेके जाओ दे दो उनको। तो फिलहाल अभी जा रहा है अपने भाई के पास में, मतलब जो बिहार का भाई है ना वो उधर खड़ा उस साइड में मंडी के पीछे साइड में खड़ा, उसका गाड़ी खाली हो रहा है। हम लोगों का दो गाड़ी एक ही गद्दी पे खाली हुआ है, और भाई का अकेले का पीछे साइड में, तो अभी उसके पास भी चल रहा है देखने के लिए क्या कर क्या रहा है अभी। तो भाई गाड़ी अगर फाइनली हो चुका है खाली, गाड़ी खाली करवाने के बाद मंडी से आ चुके हैं बाहर, अभी हम लोग जा रहे हैं केराकत वाले रोड पे, क्योंकि बाबतपुर वाले रोड से आए थे हमारे भाई साहब संदीप भैया, देखिए आगे जा रहा है उनका गाड़ी। तो उनका ये कह रहा है कि हम लोग आते टाइम बाबतपुर एयरपोर्ट की तरफ से आए थे, जाते टाइम केराकत वाले रोड से जाएंगे। तो फिलहाल ये रास्ता वही देखे है तो वही लेके जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे लगे हुए हैं, आगे रुकना है, चाय पियेंगे पानी पियेंगे, क्योंकि प्यास ना बहुत जबरदस्त वाला प्यास लगा हुआ है, मंडी में पानी नहीं पिया भाई नाश्ता करने के बाद। तो फिलहाल अभी चलते हैं, पहले पानी अगर पीते हैं। तो फिलहाल भाई केराकत पहुंच चुके हैं, अभी भाई पानी वगैरह पी लिया, चाय भी अपने लगा दिए देख सकते हैं, और इधर हमारे संध्या बैठे हैं, और ये हमारे बिहारी भाई, इनको बिहारी भाई कब से करता है, आपका नाम क्या है? ग्यासु। तो हमारे ये ग्यासु भाई ये कहाँ से, मोहनिया से आप हैं? तो भाई मोहनिया से हैं, ग्यासु इनका नाम है, और हम कब से बिहारी भाई कह रहे थे, कोई टेंशन की बात नहीं है, फिलहाल आप चाय पी लीजिए, ठीक है। तो ये चाय का दुकान है देख सकते हैं, और परमानेंट दुकान ये है। अच्छा आपका परमानेंट दुकान है, हमेशा इधर जब गुजरते चाय पी के जाते हैं आप, ठीक है। तो
भाई फिलहाल हम भी चाय टेस्ट करते हैं। भाई चाय में दम तो है, सच बता रहे चाय मस्त बनाया है अंकल जी ने। तो पहले चाय अगर पीते हैं फिर इधर से निकलेंगे बनारस के लिए। आप कहाँ जाएंगे? बनारस सर। तो सबको हम लोग बनारस जाएंगे, और आप कहाँ जाएंगे? बनारस पहाड़िया मंडी। अच्छा अच्छा, तो हम पहाड़िया मंडी नहीं जाएंगे ना, हम घर जाएंगे। हाँ। तो भाई चाय अगर पीने के बाद निकल चुके हैं बनारस के तरफ आगे। बताते भाई जबरदस्त वाला धूप है, ऊपर से भाई ये गर्म वाला हवा जो है ना, ये गर्म वाला हवा और ज्यादा दिक्कत कर रहा है। मतलब जब गाड़ी चल रहा है ना तो हवा इतना जबरदस्त भाई अंदर आ रहा है ना, एक तो शीशा अगर बंद कर दे रहे हैं तो भाई ऐसे पसीना से भर जा रहे हैं, और भाई थोड़ा सा खोल के रख रहे हैं तो गर्म गर्म हवा अंदर आ रहा है। बता दे भाई चार दिन से हम लगातार सोए नहीं, अभी चार दिन से हमें लग रहा है 6 से 7 घंटा सिर्फ और सिर्फ सोए होंगे। सो सकता है लगातार 4 दिन से गाड़ी चला रहे हैं भाई। धनबाद गए, धनबाद से फिर रातों रात हमको जाना पड़ गया पुरुलिया वाले रोड से होके गढ़वत्ता, गढ़वत्ता से 4 से 5 किलोमीटर पहले, 4 से 5 किलोमीटर नहीं 10 से 15 किलोमीटर पहले गाड़ी को लगाने के बाद एक होटल पे हम लोग सो गए थे, और भाई रात को 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, रात को 2 बजे पहुँचे थे होटल पे, लगा के सोए, 6 बजे हम लोग का नींद खुला, तुरंत गढ़वत्ता पहुँचना पड़ा क्योंकि दूसरा दिन हम लोग का लोडिंग था, तो तुरंत पहुँचे गाड़ी को लोडिंग करवाए, पूरा रात गाड़ी चला के आए भाई, उसके बाद फिर पूरा दिन चला के घर जाना है। सो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है भाई, वो भी अकेले, देख सकते हैं कोई साथ में नहीं रहता भाई, हम अकेले ड्राइव करते हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाता है। बाकी भाई छोटी गाड़ी में 2 लोग रहने से ना नहीं फायदा होता है, अकेले रहेंगे तो भाई जो पैसा, एक तो इतना महंगा है ना डीजल, अगर महंगा है पार्टी भाड़ा अगर अभी नहीं बढ़ा रहा भाई उतना ही भाड़ा में, डीजल को भी देखना है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है, उसमें से किस्त भी देना है, और घर का खर्चा भी चलाना है। सो सकते हैं, तो फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई, नींद तो जबरदस्त वाला आ रहा है, अब घर पे पहुंचेंगे नहा धो के खा के फिर मस्त सोएंगे। तो भाई देख सकते हैं इतना रोड पूरा खाली है, वो भी बनारस। ठीक है, बनारस में इतना रोड खाली होने का वजह यही है कि इतना जबरदस्त वाला गर्मी है। देख सकते हैं पूरा पुतला को भी कपड़ा पहना के अलग से रखा गया है, ताकि जो ड्रेस पुतला को पहनाया गया वो खराब ना हो। ये भाई पूरा पूरा शॉपिंग प्लेस है, देख सकते हैं इधर पूरा पूरा पुतला है, और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया गया है ताकि भाई देख के आदमी इंप्रेस हो और आके इस दुकान से कपड़ा अगर खरीदे। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गुरुबाग, और ये सीधा रोड चला जाएगा कहाँ पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो अभी हम बढ़ रहे हैं पता है कमच्छा पे होके फिर बढ़ेंगे भेलूपुर, भेलूपुर से होकर लंका चले जाएंगे। बताते भाई इतना जबरदस्त गर्मी है, इसी वजह से पूरा खाली खाली सा है, शाम होते ही आप इधर कोई भी गाड़ी लेके नहीं आ पाएंगे, पूरा जाम लग जाएगा। एक शाम के टाइम पे जाम लगता है, एक सुबह के टाइम पे जबरदस्त वाला जाम रहता है। तो फिलहाल भी अपने कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, आज भाई 4 दिन बाद अपने कॉलोनी में आ रहे हैं, लेकिन भाई बहुत मजा आ रहा है आके। भाई बाहर कहीं भी चले जाते हैं ना, जब तक बनारस नहीं आ जाते हैं मन नहीं लगता, कहीं भी चले जाएं एक्साइटेड तो बहुत हो जाते हैं, मतलब बाहर जाके, जब तक भाई बनारस नहीं आते हैं तब तक चैन नहीं आता। तो फिलहाल अभी गाड़ी को लगा दिया इधर, देख सकते हैं इस साइड में, और अपना घर उधर है, वो देखो छोटा वाला भाई का ऑटो भी उधर लगा हुआ है। तो चलते हैं भाई, तरबूज और खरबूजा अगर लेके आए हैं भाई, देख सकते हैं इधर, और एक उधर भी है। तो चलते हैं ये सबको लेके घर पे, मस्त खाएंगे ठंडा करके फ्रिज में। तो फाइनली भाई अभी टाइम हो चुके हैं शाम का 6, मतलब भाई दोपहर में घर आ गए थे, घर आके भाई खाना वगैरह खा के तुरंत सो गए थे, सोने के बाद 6 बजे नींद खुला, भाई पता चला गाड़ी धोना है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदा था, छोटा वाला भाई भी आज घर पे ही था शाम को, तो मैंने बोला भाई चलो जल्दी जल्दी गाड़ी धुलाते हैं साथ में मिलके। तो ये भाई अभी देख सकते हैं पूरा मेहनत कर रहा है गाड़ी धो रहा है अच्छे से, गाड़ी क्लीन रहता है ना अच्छे से चलाने का मन करता है, गाड़ी गंदा हो जाता ना तो मन नहीं करता, और आप लोग भी अपने गाड़ी को हमेशा क्लीन रखा करिए। तो फिलहाल अभी गाड़ी अगर धो रहे हैं, और कुछ ज़रूरी बातें जो कि आप लोगों से करना है, तो पहले गाड़ी को धोते हैं फिर बताते हैं। आराम से पानी गिराओ, ज़्यादा फालतू पानी बर्बाद नहीं करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके गिराओ। तो पूरा का पूरा भाई गाड़ी क्लीन हो रहा है, अभी पीछे का भी धोना है ढाला करा, सामने का तो फिलहाल चमका दिया भाई ने, और बिना भाई साबुन का, हाँ पहली बार शाम को धो रहे, इतना रात को गाड़ी नहीं धोते हैं। तो फिलहाल भाई आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी अगर धो रहे थे दोनों भाई मिलके, तो गाड़ी अगर साफ करने के बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया भाई आज चिकन खाना है, तो चिकन लेके आए, बन भी चुका है, और अभी रात का 9 बज चुके हैं, हम लोग पूरा फैमिली खाने के लिए बैठ चुके हैं, बहुत दिन बाद फैमिली से मुलाकात करवा रहे हैं, इधर सालू और उधर छोटा भाई बाबू इधर सोया है, ठीक है, और इधर मम्मी, और ये देख सकते हैं अपना अपना भाई लेग पीस इधर निकल चुका है, क्योंकि भाई अपना थोड़ा सा लेग पीस बड़ा वाला लेके आए थे, ये देखिए और ये सालू का खाना निकल रहा है, मम्मी इधर कढ़ाई में सबको दे रही है खाना, भाई खाने भी लगा उधर, कैसा बना है? भूख लगा है, मस्त बना है, माँ बना अच्छा ना बने ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल भाई
खाते हैं चिकन। बहुत दिन बाद भाई चिकन खा रहे हैं फैमिली के साथ भी बैठ के, तो काफी अच्छा लग रहा है। इतना ज्यादा गर्मी है ना भाई कि हम लोग बाहर का जाके मतलब रोड का खा नहीं पा रहे इस समय, और किसे कॉल भी आ गया। कोई नहीं, पहले चिकन फिनिश करते हैं। तो भाई हो चुका है सुबह, गुड मॉर्निंग। बस भाई रात को सो गए थे, मतलब बता दे चिकन अगर मस्त खाया, चिकन अगर खाने के बाद इतना जबरदस्त नींद आया ना भाई, सो गए, वीडियो को कंटिन्यू कर ही नहीं पाए। तो फिलहाल अभी मम्मी घर पे ही है, जो कल भाई मतलब धनबाद गए, धनबाद से फिर गए गड़बत्ता, गड़बत्ता से लोडिंग करके बनारस आए। उसका पैसा का हिसाब मम्मी को भी देना है घर पे, तो अभी चलते हैं, पैसा का हिसाब मम्मी को देते हैं। जो भी पैसा कमा के आए, जो भी बचा हमको, वो मम्मी को देते हैं। बाकी आप लोगों ने तो कमेंट करके बता दिया था कि कितना पैसा मेरे को बचा। तो फिलहाल भाई अभी हम जा रहे हैं दूध का पैकेट लेने के लिए, क्योंकि दूध भाई सुबह सुबह दूध भी ख़त्म हो चुका है घर पे, चाय भी पीना है हमको। तो हमारे ठीक घर के सामने दूध का दुकान है, ये देख सकते हैं भाई साहब दूध लेके जा भी रहे उधर, वो देखो भाई, और ये बिल्डिंग। तो चलते हैं भाई, रोड क्रॉस करते हैं, एक सेकंड भैया। तो फिलहाल भाई दूध अगर तो आ चुका, दूध अगर आने के बाद चाय भी बन चुका है, तो अभी जा रहे हैं चाय पियेंगे। तो निकाल लेते हैं चाय को, तो ये गिलास, हम पता है गिलास में चाय पीते सुबह से, और कप में चाय पीने का मजा नहीं आता हमको। तो ये चाय बन चुका है, निकालते भाई। कौन कैसे कर रहा है बाबू? तो भाई ये देखो बाबू आजकल पलटना भी सीख गया है। बाबू बाबू, अच्छा अपने से मुंह से हाथ हटा ले रहा है बाबू। तो फिलहाल भाई मम्मी के साथ है अभी, और रात को मम्मी को हिसाब वगैरह दे नहीं पाए थे, तो अभी भाई पूरा हिसाब मैंने कर लिया है। तो कोलकाता जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए मजाक करे मेरे भाई, कितना कमाए वो आप लोग को खुद ही पता चल गया होगा। सब कुछ बता दिया कि इधर से 8,000 लगा था और उधर से 15,000 रुपये भाड़ा लगा था, टोटल खर्चा ही बता दिया कितना मेरा खर्चा हुआ। उसके बाद इतना बचा है, ये 10-10 का नोट है, बहुत ज़्यादा आप लोग मत समझना इसको, 10-10 का नोट है, और ये टोटल 2,000 रुपये है। तो आप लोग गड्डी कर देख ही सकते हैं। तो फिलहाल मंडी वाले का एक आदत यार बहुत खराब लगता है मुझे, जो गाड़ी वाले होते हैं ना, गाड़ी वाले को भाई 10-10 का गड्डी थमा देंगे, 1,000 रुपये गड्डी है, सबसे छठा हुआ नोट, खराब नोट गाड़ी वाले को मिलता है सबसे, जबकि ज्यादा मेहनत हम ही लोग करते हैं। ठीक है, हम समझते हैं किसान का माल है, किसान तोड़ के लेके आता है, लेकिन तोड़ने के बाद वहां से जो बंगाल से 700 किलोमीटर का सफर है तय करते हैं, मेहनत करके जो लेके आते हैं ना, वो हम लोग का मेहनत रहता है, लेकिन हम लोग को आखिरी में यही नोट मिलता है ऐसा गड्डी 10-10 का पूरा फटा नोट फटा रहता है कभी कभी ना। तो देखिये मम्मी बोल रही है, पता हम तो गड्डी मतलब देखते नहीं, अब क्या है कि गड्डी देख के लेते हैं ऐसे, और आप लोग भी गड्डी देख के लीजिए, मतलब नोट वाली गड्डी आपको देगा तो इस तरीके से देख लीजिए कहीं फटा तो नहीं ना है इस तरीके से। तो इससे क्या है कि पता चल जाएगा, अगर फटा रहेगा तो पता चलेगा, टेप वगैरह लगा हुआ रहता है। कोई नहीं, ये पूरा पैसा मम्मी को देते हैं, मम्मी लीजिए पैसा, ठीक है। और ये पैसा अभी मम्मी को ये दिए ना, अभी तुरंत ये पैसा पहले ही से हिस्सा लग चुका है कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना है घर पे, मतलब अभी राशन के लिए, भाई को कुछ काम है उसको देना है, तो बहुत सारा काम, ये तुरंत तुरंत खर्चा हो जाएगा अभी। तो फिलहाल मम्मी को पैसा देते हैं, मैं इतना दिन बाद पैसा दे रहे, कैसा लग रहा है, कमा अच्छा लग रहा है, एकदम कमाई बंद हो गया था। हाँ, भाड़ा अगर नहीं मिल रहा था अब, लेकिन भाई आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और बाकी आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसे ही रहेगा, तो फिर अच्छा वीडियो बुरा वीडियो मेरा कुछ भी नहीं रहता, जो भी रहता अपने साथ जो भी होता है वो दिखाते हैं। हाँ भाई लॉन्ग टूर पे नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि भाई लॉन्ग भाड़ा मिल नहीं रहा था, ठीक है, इतना दिन से। अब आपका भाई लॉन्ग लॉन्ग चलेगा, और बहुत दूर दूर जाने वाले हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, और चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, अब चाहे नेपाल हो गया, अब हर वीडियो में आप लोगों को एकदम पहले कैसा मजा आने वाला है, क्योंकि पता है आप लोग इतना दूर दूर का आप लोग हम सफर कराते थे, तो अभी क्या है कि लोकल चलने लगे थे, मतलब लोकल तो चलाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि दूर का जब भाड़ा नहीं मिलेगा तो गाड़ी तो खड़ा नहीं कर सकते घर पे ना, तो हमारा गाड़ी का किस्त है 18,000 रुपये, घर का भी खर्चा है, गाड़ी का मेंटेन खर्चा है, फिर अपना कुछ खर्चा अलग से, तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल जो भी है दिल से सैल्यूट है आप लोगों को, दिल से शुक्रिया, ठीक है, कि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट प्यार मोहब्बत करते हैं। तो मम्मी को पैसा कर दे दिया और तैयार होते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो पता चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुंच सके। और हाँ भाई सपोर्ट प्यार चाहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग, और अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्यों बताया आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो टाइम से आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। और इधर भाई यूट्यूब सोच के नहीं जुड़ना है, छोटा सा फैमिली सोच के जुड़ जाना है, क्योंकि आप सब मेरे मेंबर है, मेरे फैमिली मेंबर है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग का सपोर्ट प्यार देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, ऐसे प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका ऐसे मेहनत करेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहेगा। तो मम्मी कुछ लास्ट में बोलना चाहते हैं आप?
बोल दो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हाथ रख दो कैमरा में, बोल दो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, ऐसे हाथ रख दो कैमरा में।